आप सुन रहे हैं द 90's शो, द 90's शो विद अनु मलिक, सिर्फ बिग एफएम पर। बिग एफएम पर मध्यम मध्यम आग में लगाने आ गया हूँ चिंगारी। अब है मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। मैं हूँ आपका और सिर्फ आपका अनु मलिक, और रोज मिलूंगा आपसे इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर रेडियो नेटवर्क बिग एफएम पर, द 90's शो विद अनु मलिक। टन 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 बूम बूम बूम। 90's यानी के मस्त मेलोडियस म्यूजिक, झकास फिल्में और यादगार एरा। क्या क्या नहीं हुआ था 90's में। जी हाँ, 90's नहीं होता तो मेरा फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी नहीं होता, मैं नहीं होता और ना ही होती मेरी कैरियर की माइलस्टोन फिल्म बाजीगर। ओ बाजीगर, अरे होए 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 होए, बाजीगर का नाम लेते ही क्या क्या दिन याद आ गए। वो गाने, वो शूटिंग्स के दिन, वो पहले पहले अवार्ड की पहली पहली खुशी। बाजीगर की एक एक चीज आज भी हम सबको याद है। वो मदन चोपड़ा वो जौरी भाई का चाय वाला सीन और वो डायलॉग, आप भूल सकते हैं? हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हर चीज आज मेरे दिमाग में ऐसे रिवाइंड हो रही है जैसे मेरे सामने बाजीगर का ट्रेलर चल रहा हो। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। मेरे प्यारो, मेरे यारो, इस शानदार ट्रेलर के बाद और मुझे याद आ गया बाजीगर का एक कमाल का किस्सा। बाजीगर के लिए मुझे और शाहरुख दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। शाहरुख को जब मैं कॉन्ग्रेचुलेट करने गया तो शाहरुख ने बोला, तू क्या कर रहा है अभी, तू घर जा रहा है? बोला हाँ, तू मेरे साथ चल। हम लोग पहुंच गए टाउन। टाउन से उसने बोला, गाड़ी इधर मोड़ो और हम भिंडी बाजार में। एक्चुअली पहली बार भिंडी बाजार आ रहा था और अंधेरी रात में शाहरुख की कार भिंडी बाजार की छोटी सी गलियों से निकलकर सोचो एक चाल के सामने आ रुकती है और शाहरुख वहां की एक छोटी सी खोली के सामने आकर खड़े होकर घंटी बजाते हैं। हम दोनों के हाथ में हमारा अवार्ड है। घंटी बजते ही दरवाजा खुलता है और इस सामने एक लेडी है और वो लेडी वो डायरेक्टर अब्बास बस्तान में से अब्बास भाई की वाइफ थी। उन्होंने दरवाजा खोला। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बाजीगर के वक्त अब्बास मस्तान जैसे बड़े डायरेक्टर्स भिंडी बाजार की एक छोटी सी चाल में रहते थे और मस्तान भाई को तो चाल की बालकनी में सोना पड़ता था। कैन यू बिलीव इट। शाहरुख के दिल में यह बात लग चुकी थी कि मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, वो भी अब्बास मस्तान साहब की बाजीगर में। और अवार्ड सेरेमनी में कहीं भी अब्बास भाई नजर नहीं आए, ना मस्तान भाई नजर आए, ना हुसैन भाई नजर आए। और शाहरुख ने सोचा जिनकी वजह से हमें अवार्ड मिला है पहले उनको तो नमन करना चाहिए। और शाहरुख ने जो गले मिले अब्बास बस्तान के, बोला सर ये अवार्ड जो है अगर हमें मिला है तो आपकी वजह से मिला है। और ये सुन रहा था मैं, मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने बोला दिस इज कॉल्ड ग्रेटनेस। इसलिए शाहरुख खान बाजीगर से फिर बादशाह कहलाया गया और आज तो आप जानते हो सारी दुनिया उनको बोलती है Here comes the King Khan। बाजीगर ने अन्नू मलिक, अब्बास बस्तान, शाहरुख और काजोल को इंडस्ट्री में हिट कर दिया, मगर शिल्पा शेट्टी और उनकी कार को सड़क पर ऐसा हिट किया कि उनकी ड्राइविंग हमेशा हमेशा के लिए हो गई हिट विकेट। जी हाँ, जब ये फिल्म रिलीज हुई तब शिल्पा ड्राइविंग सीख रही थी और लाइसेंस भी नहीं था। अब एक दिन वो कार को डरते डरते चलाती जा रही थी, तभी अचानक एक लड़का अपनी साइकिल लिए सामने से चला आ रहा था और शिल्पा थी द हीरोइन ऑफ बाजीगर। वो बाजीगर की हीरोइन को देखकर चिल्लाने लगा, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, और चिल्लाते चिल्लाते ही सीधा शिल्पा की कार से टकरा गया, सड़क पर चित हो गया। और शिल्पा शेट्टी क्या सोच रही है, यार एक फिल्म मेरी सुपरहिट हुई है और ये लड़का मेरी गाड़ी से आकर टकरा के चित हो गया है। कल दो चार मेरी अगर फिल्में हिट हो गई तो कितने लड़के आएंगे और उनमें से कोई जबरदस्त हादसा हो गया तो मेरा क्या होगा। तो यानी कि लड़का तो उठ के चला गया, मगर अब क्या कहना, शिल्पा शेट्टी इतनी डर गई, उसने कसम खा ली कि मरते दम तक मैं कभी ड्राइविंग नहीं करूंगी। और ना उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, ना उन्होंने बाजीगर के बाद आज तक ड्राइविंग की। अरे हमको तो बाजीगर ने सब कुछ दिया लेकिन शिल्पा की ड्राइविंग ही छीन ली। कमाल है ना। कहते हैं ना हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। और अब बात फिल्म बाजीगर के बाबूलाल यानी जॉनी लीवर जी की। जॉनी भाई की लाइफ का एक ही मोटिव है, प्यार बांटते चलो भाई, दुनिया में क्या रखा है, आज यहाँ कल कहाँ। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबको हंसाने वाले की लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं
जब वो खुद रो पड़ता है। और ऐसा ही हुआ जॉनी भाई के साथ भी, जब उनके बेटे को नेक ट्यूमर हुआ, उन्होंने प्रार्थना करने शुरू की, बहुत प्रेयर्स किए। प्रेयर के साथ साथ वो हर डॉक्टर को मिले, कोई भी कह देना जॉनी भाई इस डॉक्टर से मिल लो, आपके बेटे का ट्यूमर चले जाएगा, वो वहां पहुंच जाए। लेकिन डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं, उन्हें सॉरी ये ट्यूमर बहुत अंदर फैल चुका है, अगर ऑपरेशन करेंगे भी कहीं और जाके और कुछ गड़बड़ कर देगा। जॉनी लीवर का फेथ ऊपर वाले से उठ चुका था। एक दिन वो किसी शो के सिलसिले न्यू जर्सी गए थे। न्यू जर्सी में ना जाने उनका मन क्या हुआ, वो चले गए किसी चर्च में और वहां प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते उनकी जब आंख खुली, सामने उन्होंने देखा एक प्रीस्ट है, और प्रीस्ट ने अचानक जॉनी भाई को देखा और उनके बेटे को देखा और बोला एक काम करो। बोला जी सर। तुम अपने बेटे को स्लोन कैटरिंग इंस्टीट्यूट ले जाओ। बोला क्यों? बोला तुम्हारा बेटा वहां ठीक हो जाएगा। जॉनी भाई अपने बेटे को स्लोन कैटरिंग इंस्टीट्यूट ले गए। वहां एक डॉक्टर मिला स्लोन कैटरिंग इंस्टीट्यूट अमेरिका में, उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 घंटे का ऑपरेशन करेंगे। वो जो प्रीस्ट थे जिन्होंने कहा आप अपने बेटे को ले जाओ स्लोन कैटरिंग इंस्टीट्यूट में, बच्चा ठीक हो जाएगा, वही हुआ कि उस 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उनके ट्यूमर का, बच्चे का ट्यूमर का पूरा नामो निशान मिट गया। बस वो दिन था जॉनी भाई के लाइफ चेंजिंग डे का। उसके बाद उन्हें दोबारा गॉड पर फेथ हो गया और वो फिर से मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, हम सबको हंसाने लगे। और अब बारी है उस सरप्राइज की जिसका नाम है #musicwelove म्यूजिक वी लव में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 90s के वो रोमांटिक लव सॉन्ग्स जो मुझे बड़े पसंद हैं और जिन्हें सुनकर आपको भी उनसे लव हुआ, यानी कि लव हो जाता है, जैसे मुझे हुआ है। और ऐसा ही एक मेरा फेवरेट गाना है, फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। अरे गाना सुनाने में जो मजा आता है, बताने में मजा नहीं आता, आप जानते हैं ना इस बात को। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, इसका प्रोमो जब आया तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, इस प्रोमो को देख रही थी दो जबरदस्त कलाकारा, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी, घर पे बैठे हुए थे। अचानक लता जी ने मुड़कर आशा जी को कहा, लगता है अभी हमारे इंडस्ट्री में कोई संगीतकार आया है। तो नॉर्मली गाने शुरू होते हैं ला रा 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 ला रा 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 रा, ये एसेंडिंग ऑर्डर में, और मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में मुखड़ा बनाया, तीरा रा 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 ता दारी रा रा राम तारारे रा, यहां से टेम्पो आता है। महेश भट्ट साहब ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सारा काम एक तरफ और ये अंतरा एक तरफ। 90s की स्पॉटलाइट। और आज ये स्पॉटलाइट पड़ रही है 90s के सिनेमा हॉल के उन टिकट विंडोज पर जहां कभी फिल्म के टिकट खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइंस लगा करती थी, मगर आजकल सन्नाटा होता है। आज टिकट पिक्चर हॉल के विंडो की जगह हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के विंडो पर ही ऑनलाइन बुक हो जाते हैं। मजा तो तब आता है जब फिल्म का टिकट खरीदने के लिए घंटों तक हम लाइनों में लगे रहते थे। कभी कभी जब तक नंबर आता था ना, तब हाउसफुल का बोर्ड लग जाता था, गुस्सा जरूर आता था, मगर हिम्मत नहीं हारते थे, अगले शो के लिए फिर से उसी लाइन में हम खड़े हो जाते थे। जब हमें टिकट मिल जाता था एक हाउसफुल पिक्चर का, तो आपको लगता था यार आप बाहुबली से कम नहीं हो। और कभी कभी जब आप लाइन में खड़े रहते थे इतनी लंबी लाइन में, आपको याद होगा भूख लगती थी, नाश्ता चाय ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी कभी वही हो जाता था, और पीछे वाला जो भाई साहब खड़े होते थे उसको बोलते थे, भाई देखो मैं तेरा एक कप चाय पी के आता हूँ, सर दुख रहा है, पर भूलना नहीं मैं आपके आगे खड़ा था, और मेरी लाइन संभाल के रखना मेरे भाई। क्या एक्साइटमेंट होती थी। और अब जो सरप्राइज है वो एक चांस मुझसे डायरेक्ट बात करने का, जो भी आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको दूंगा उस पर टिप अनु, यानी टिप फ्रॉम अनु मलिक। हेलो हेलो अनु मलिक जी। हाय अभिजीत, हाउ आर यू? यस सर सर, नमस्कार, थैंक यू मैं मस्त हूँ एकदम, आप कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्या सवाल था अभिजीत? मैं ये जानना चाहता था एज अ स्टूडेंट आपके मेलेडी का राज क्या है, इतनी अच्छी मेलेडी, आज के जनरेशन को भी वो मेलेडी इतनी पसंद आ रही है, तो उसका राज क्या है? मैं मानता हूँ कि मेहनत से बढ़कर कोई जबरदस्त लक नहीं है, मैंने सिर्फ मेहनत की। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई जख्म होता है, और ऐसा संगीत बनाओ कि उसका उस 5 मिनट के लिए पल में वो बहुत सी चीजें भूल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। इस टिप अनु के बाद मिसिंग पोस्टर
और अब बारी है 90's के मिसिंग पोस्टर वाले कॉन्टेस्ट के आंसर की। फाइनली क्वेश्चन था कि वो हीरो कौन है जो एक ऐसी फिल्म में इंट्रोड्यूस हुए जिसमें 32 साल बाद दिलीप कुमार और राजकुमार जी ने एक साथ काम किया था और जिस फिल्म की हीरोइन इंडियन नहीं थी, हमने ये भी कहा था कि पड़ोसी देश की थी। और उसने गाना कौन सा गाया था? हीरो ने हीरोइन को क्या कहा था यार? इल्लू 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 इल्लू। मैंने ट्यून भी गा दी यार। लेकिन जिनकी अब भी नहीं जली ट्यूबलाइट, उनको बता देता हूँ आंसर राइट। तो मिसिंग पोस्टर का सही आंसर है विवेक मुशरन। विवेक मुशरन ने डेब्यू किया था 1991 में। इसके निर्देशक कौन थे? सुभाष घाई साहब। और फिल्म का नाम था सौदागर। और इसमें 32 साल बाद राजकुमार जी और दिलीप कुमार साहब ने एक साथ काम किया था। और उसकी हीरोइन कौन थी? पड़ोसी देश की हीरोइन नेपाल से, यानी कि मनीषा कोइराला। और आज हमारी फिल्मों से अगर आप नोटिस करो, विवेक मुशरन बिल्कुल मिसिंग है। इसलिए विवेक मुशरन जी हमारे मिसिंग पोस्टर कॉन्टेस्ट के बने क्वेश्चन। यार देखिए, अब तो शो खत्म हो रहा है। लेकिन आपने बोला शो कैसे खत्म हो सकता है, आप थोड़ी मुझे जाने देंगे जब तक अन्नू मलिक की इंस्टा शायरी ना हो। इंस्टा शायरी, इंस्टा शायरी, शायरी। जिस फिल्म से हुआ लोगों पे असर, उस पे लग सकती है कैसे नजर। अन्नू मलिक शाहरुख खान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे बाजीगर ओ बाजीगर। 90's के इसी शो के साथ कल फिर आएगी मेरी बारी, लगाने मध्यम मध्यम आग में हिट गानों की जबरदस्त चिंगारी। सी यू टुमारो, बाय बाय, सी यू टुमारो।